Kicha, who doesn't know him, and Arya. So this is the game where something's got to give. Let's have the toss. Who's tossing the coin? Kicha will toss the coin. Heads is the call. Heads is the call. Arya? Yeah, it's a process situation, and we were hoping that we would win the toss. What are you doing? We're going to bowl first. Halka sa slow out swinger. Brilliant! Absolutely brilliant! Smacked it for four. Aur ye maar diya hai. One bounce four. Over long on. Choti gain. Aur pura fayda uthake Krishna. Ek aur choti gain. Oh, fir se over the covers this time. Krishna making sure he makes this power play count. लेकिन ऑफ साइड पे कोई प्रोटेक्शन है नहीं, होती भी तो कोई फायदा नहीं था. छह एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से तीसरी छोटी गेंद और तीसरी बार कृष्णा ने बाउंड्री के पार, और इस बार और उठा दिया स्क्वायर के ऊपर से चार रन के लिए. बहुत अच्छी बल्लेबाजी प्रदीप के द्वारा भी. आप ये देखिए किस तरह से स्पॉट पिक किया है अपना. एंड मौका हो सकता है यहां, और ये कीमती हो सकता है. ये छक्का कैच हो सकता था बट इन्होंने ड्रॉप कर दिया. और ये देखिए बहुत ही लंबा छक्का स्क्वायर लेग पे. छोटी गेंद, फिर से छोटी गेंद आप नहीं कर सकते कृष्णा को, बिल्कुल नहीं. 121वां छक्का. इस बार कैच का मौका है और उसे अंजाम नहीं दे पाए. ये मौका था भरत के पास, और एक बार फिर ये देखा कि ओवर रन कर गए बॉल को, थोड़ा ज्यादा आगे आ गए थे और इसी वजह से मुश्किल हुई. और छह सिग्नल कर रहे हैं अंपायर के लिए भरत. इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन मैन ऑफ द टूर्नामेंट सो फार. एंड छक्का दिया, तो दो कैचेस भी ड्रॉप हुए और तीन छक्के लगे हैं चार बॉल में. आप गेंदबाजी करते हैं जीवा, स्विंग पे ज्यादा विश्वास. लेकिन यहां पे मिला है बैट स्विंग और मिले छह रन प्रदीप को. दीज टू बैटर्स हैव रियली टेकन इट टू देम. और ये हिट टुवर्ड्स मिड विकेट, लंबा छक्का, एक और छक्का. क्या बैटिंग हो रही है यहाँ पे कर्नाटका बुलडोजर्स की तरफ से. He's killed it. Well, is he close to 50 though? Yeah, yeah. He is? Yeah. He's crossed 50? Yeah. Oh, yeah. One message that you want to give him right now. I don't know what to say. Oh, see, he's gonna kiss Milana now, his wife. I'm just waiting for that moment. Is he? Yes, he will now. जी, बहुत ही बड़े विशाल स्कोर की ओर आगे बढ़ते हुए कृष्णा. एक और स्लोअर गेंद इस बार खेल दिया उन्होंने, गैप को चीरते हुए चार रन और कृष्णा के बल्ले से. सात ओवर्स के बाद 108 बिना किसी नुकसान के कर्नाटका. और अब ये आठवां ओवर शुरू हो रहा है और बड़े आराम से उसे प्लेस कर दिया. अच्छी प्लेसमेंट में दो रन जरूर मिलेंगे बल्लेबाजों को. और क्या बाउंड्री के बाहर चली गई गेंद, कोई मौका नहीं. और बढ़िया स्ट्रोक वहां पर. प्रदीप बहुत इंटेलिजेंटली बैटिंग कर रहे हैं, जानते गैप्स कहां हैं और बड़े आराम से खेल दिया चार रन के लिए. अपने अर्चक से केवल तीन रन दूर है. एक रन मिलेगा, बेहतरीन अर्चक तक प्रदीप का भी. केवल 25 बॉल्स में 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, और ये खुशी लाजमी है. शानदार बुक कर्नाटका बुलडोजर का, और ये कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स. और शानदार पारी खेलकर कृष्णा क्लीन बोल्ड आउट हुए वहां पर. 115 पर पहला झटका, 57 रन की पारी खेली कृष्णा ने. प्रदीप ने उठाकर खेला है, मौका बन सकता है, कैच का मौका है. ओ कैच, आसान सा कैच ही ड्रॉप हुआ. एक और जीवन दान मिलता हुआ यहां पर प्रदीप को, और उसकी क्या सजा मिलेगी अब चेन्नई राइनोस को. दूसरी तरफ रन आउट हो गया, लेकिन काफी कुछ होता हुआ यहां पर. देखिए यहां क्या छूटा, और देखिए चंदन बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड थे, हाथ से कैच शुरू हुआ, दूसरे रन के लिए भाग रहे थे. हालांकि प्रदीप थोड़े थके हुए थे, उन्होंने मना भी किया, मगर वो आधी विकेट तक आ चुके थे और उसका फायदा मिला वहां पर चेन्नई राइनोस को. और खराब डिसीजन वहां पर चंदन का, और कहीं ना कहीं वहां गलती कर बैठे वो चंदन. चार रन बनाकर आउट हुए तीन गेंदों पर.
पहले से मन बना लिया था और जो नतीजा चाहिए था वो मिल जाएगा, चार रन्स। तो चलिए अब तैयार है प्रदीप, स्लोअर गेंद उठाकर खेला है, गैप में खेला है, चार रन और मिलेंगे। प्रदीप ओपनिंग करने के लिए आए थे, आखिरी तक थे वो नॉट आउट, 33 बॉल्स में 65 रन। डार्लिंग कृष्णा एक और हाफ सेंचुरी, 24 बॉल्स में 57 रन। चंदन हुए रन आउट और करण ने अच्छा साथ दिया आखिरी तीन बॉल्स में, 137 रन का ये स्कोर। और पार्टनरशिप देखें आप प्रदीप और कृष्णा के बीच, 53 बॉल्स में 115 रन की पार्टनरशिप और वहीं से मैच कर्नाटका बुलडोजर्स ने बिल्कुल अपने पक्ष में कर लिया है। लेकिन अभी चेन्नई राइनोज की बैटिंग बाकी है। मूवीज की बात हो रही, एक्टर्स जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम भी वैसी उसी। ओ क्या बात है, ओह विद द स्विंग अंदर आई बॉल, खतरनाक बॉल थी और क्या लपेटा मारा, बहुत बढ़िया जजमेंट और विद द एस बार इनफील्ड को क्लियर किया है, चार मिलेंगे पृथ्वी के नाम ये बाउंड्री। देखिए ये जो खेल है ना बड़ा अनफेयर है बॉलर्स के लिए, इतनी बढ़िया बॉल, ये बेस्ट बॉल थी। शॉट, क्या बात है, स्क्वायर लेग के ऊपर से छे, जीवा के चेहरे पे खुशी आई है। ओह नहीं नहीं नहीं, ये कर्नाटका की फैन है, पर ये जो कहते हैं ना ये लपेटा टेक्निक जो है ये बड़ी कारगर साबित हो रही है और ये बताता है। देखिए बात सुनिए, ये इसके लिए शॉट खेलने के लिए आई आपकी बहुत जबरदस्त चाहिए। बोल्ड, क्या कमबैक है, जबरदस्त कमबैक कार्तिक के द्वारा, एक और विकेट, परफेक्ट इन डिपर, और पहली गेंद पे ही वापस भेजा है शांतनु को। लेवरेज के लिए थोड़ा सा, ओ ये हाइट बहुत ले ली है, डिस्टेंस नहीं रहा क्योंकि जोर से मारी कोशिश, और क्या कैच, बिल्कुल शरीर अपना पीछे रखा और जज कितना खूबसूरती से किया ये कैच। जी हाँ, एक और विकेट गिरती हुई इस ओवर में, तीसरी विकेट है जो इस ओवर में गिरी है और पृथ्वी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अपना विकेट गवाते हुए लीडिंग एज लगा, अच्छा कैच पकड़ा गया, ये मिड ऑफ से दौड़ते हुए जो आए, अच्छा कैच लिया निरूप ने। ओह क्या बात है, अब आया उठ पहाड़ के नीचे, आउटस्विंग हुई थी और उसके साथ बैट का फ्लो भी मीट किया और बॉल की पेस और स्वीट स्पॉट ऑफ द बैट ने इंश्योर किया कि ये दर्शक दीर्घा में बॉल जाएगी। कुछ ऐसे शॉट्स और चाहिए, आप ये देखिएगा डाउन द ट्रैक आए, काफी बाहर निकल के ये शॉट खेला है, अरे बेंड करके मारा है ऐसे कवर पे, तो इसकी अगर स्टिल लिया जाए तो ही कैन मेक अ पोस्टर आउट ऑफ इट। ए क्या बात है, ही शुड हैव हेल्ड द पोस्ट, मार के वहीं रुक जाते। शॉट अच्छा है और चार रन मिलेंगे, देखिए पहले से ही मन बना लिया था, शफल करके थोड़ा सा अक्रॉस जाके तैयार थे इस गेंद के लिए और कट कर दिया है थर्ड मैन के ऊपर से चार रन के लिए, और ये उठा दिया है, कैच हो सकता है और ये आउट, बिग विकेट और विक्रांत सेल्फलेस एंड एग्रेसिव, बिल्कुल सभी बिल्कुल। तो क्या जीवा नया जीवन दे सकते हैं अपनी टीम को, अपील है यहां पर काफी करीबी आउट, पहली बॉल पर जीवा, करण आर्यन ने लगातार दो झटके दिए हैं यहां पर टीम को, इज बीन एक्सेप्शन। यहां पर कैच का मौका है और अच्छा कैच, बेहतरीन कैच, आज कर्नाटका बुलडोजर्स कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, चेन्नई राइनोज यहां पर ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए बिल्कुल, ये अच्छा शॉट है और क्या इस बार दूरी पूरी तय होगी, बिल्कुल एक बाउंस के साथ चार रन, चूंकि ये गैप में था तो ये नतीजा मिला किराया रसन को, 8 ओवर समाप्त और इसके साथ 67 पर 6 अब चेन्नई राइनोज। बेस्ट एक्टर कौन है, आर्या, वो ये हैट्रिक बॉल थी यहां और यहां पर हैट्रिक पूरा करते हुए बेहतरीन ये करिश्माई बॉलिंग कर रहे हैं आकरण, पहली हैट्रिक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के 10वें सीजन की और चेन्नई राइनोज की परेशानी बिल्कुल बढ़ती जा रही है। ऋषिकांत, ओहो सबको मिस करते हुए गेंद,
चार रन मिलेंगे 22 के। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर करण आर्यन, ऐसा लग रहा है कि मतलब उनके हाथों से अंगार उगल रहे हैं वो हर एक बॉल के साथ यहाँ सीसीएल के। ये अच्छा शॉट हो सकता है लेकिन दूर ही नहीं है इसमें। दूसरे रन के लिए आते हुए रन आउट का मौका है, रन आउट किया, एक और देखते हुए हम यहां एक अच्छा थ्रो और एक अच्छी कीपिंग। कीचा वाज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड विकेट बाकी है ऑल आउट के लिए, देखते हैं अगर होगा। डाउन द ग्राउंड खेला है, चार रन मिलेंगे, मिड ऑन मिड ऑफ दोनों ऊपर थे। करारा प्रहार इस बार राजीव के बल्ले से। इस बार बल्ला चलाया है ओवर द टॉप, सेफ शॉट है, पावर प्ले चल रहा है, एक और चौका। और पावर प्ले में जितने ज्यादा रन बटोर लेंगे राजीव और कार्तिक ये बहुत बढ़िया। देखिए कप्तान कितने खुश हैं, कप्तान हर गेंद को सेलिब्रेट करते हैं, हर चौके को सेलिब्रेट करते हैं, हर विकेट को सेलिब्रेट करते हैं और पूरा सपोर्टर जो पूरा कैंप है उनका उनका साथ देता है। स्विंग ढूंढ रहे हैं जीवा, सिंगल मिलना चाहिए, मिस फील्ड की वजह से चार, भरत की गलती बाउंड्री रोप पे और बैक टू बैक तीन बाउंड्रीज, चार और रनों की बौछार होती हुई, पांचवा चौका इस ओवर में। और फिर बढ़िया स्ट्रोक खेला मगर बॉलर के लिए इतना गर्म था पकड़ना कि वो बाउंड्री के बाहर ही चली गई गेंद। देखिए हाफ चांस कहूंगा, कॉटन बोल्ट का लिए चांस तो था गेंदबाज के पास लेकिन ट्रैवल कर रही थी वो बॉल। राजीव के नाम ये छठा चौका है, फिर देखिएगा आधव, देखिए फॉलो थ्रू में जब तक रिएक्ट करते ना बॉल निकल गई थी। रानी से गेंदबाज भी हैं, फील्डर्स के भी शोल्डर्स झुक गए हैं और ये बढ़िया स्ट्रोक वहां पर खेला है, गैप में निकलेगी और वहां मिसफील्ड हुआ और चार रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। शॉर्ट बॉल पे एक और मिसफील्ड और चांस है कि ये गेंद भी चार रनों के लिए जा सकती है और जाएगी। इस बार कैच का मौका और भुनाया है, कार्तिक का विकेट गिरता हुआ, अर्धशतकीय साझेदारी टूटी है। बढ़िया कैच पकड़ा वहां पे, जज किया गेंद को आने का इंतजार किया और फिर बड़ा आसानी से वो कैच को पकड़ लिया और कार्तिक आउट होके जा रहे हैं। 51 रन की भागीदारी उनकी हुई और बढ़िया विकेट वहां पर मिलता हुआ चेन्नई रनर्स को। सत्या का कैच था ये, अच्छा कैच पकड़ा है और कलाई के नाम ये विकेट आया है। आखिरकार कुछ शेयर करने के लिए चेन्नई राइनोस की खेमे में और 12 रन बनाकर कार्तिक आउट 51 पर 1। फ्री हिट अब और फ्री हिट में पूरा प्रहार और पूरे रन्स, 6 रन्स मिलेंगे और इसके साथ साथ राजीव हनु का एक हाफ सेंचुरी पूरा होता हुआ। कमाल कमाल कमाल, ये देखिए कितने खुश हैं कि अब बिल्कुल क्रश कर दिया है चेन्नई को। 200 की लीड अगर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, 133 हो चुके हैं, ये तो नए रिकॉर्ड बन जाएंगे इस मैच में। ओ क्या बात है, और विकेट शाम के 10 बजे होते होते एक ऐसा बढ़िया बन जाता विकेट कि कितना आसानी से मिड ऑफ द विकेट से बॉल को कनेक्ट करके उठा दिया। एंड डेफिनेटली दिस सीजन इफ यू गो टू सी एवरीवन स्टॉप, वो दैट्स अ ग्रेट सिक्स। या ऑर्डर आई वांटेड टू फिनिश इट ऑफ सो दैट इट विल बी इजीियर फॉर द गेम बिकॉज़ वंस द टॉप ऑर्डर दे गेट फिक्स्ड then it's really tough for them to stop. So I was very glad that I got the ball at the right places. They're good stars as well as good cricket players. So we are very happy that, you know, they are in the team and that's the reason we got a huge change. There's a big thing happening on the ground. Let's go back to the comms. जी आरोही जैसे ही आती है माइक के ऊपर कुछ ना कुछ गतिविधियां हो जाती है। विकेट गिरता हुआ, राजीव बहुत ही अच्छे निक में लग रहे थे, 25 बॉल्स में 63 रन लेकिन एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ उनका। चलिए शुक्र किया कि एक खिलाड़ी आउट हुआ और ये खिलाड़ी बहुत डेंजरस था, मैं आपको कह रहा था एक गेंद पहले कि कहीं 100 ना बना दें क्योंकि 63 बन चुके हैं 24 गेंदों में, अभी भी कम से कम 25 गेंदें बाकी हैं, पर क्या पारी खेली है, 25 गेंदों में 63 बनाए और 91 पे 2। आखिरी बॉल
उठाकर खेला इसे और चार रन मिल जाएंगे। कैच की कोशिश जरूर हुई। 7 ओवर्स इसके साथ समाप्त। लीड हो गई है अब 150 के पार। फिर से अच्छा शॉट, एक और मिस फील्डिंग, 4 रन और चेन्नई राइनोज। आत्मविश्वास, जब आत्मविश्वास पर आघात पहुंचता है तो किस प्रकार से असर पड़ता है ये यहां दिख रहा है। पर मैं आपको बता दूं, चेन्नई के सपोर्टर्स के लिए बता दूं, अगर आपका ऐसा मैच हो ना और सारा बुरा लक एक मैच में ऐसा बुरी तरह से हार जाए तो बेहतर है, क्योंकि एक आपने खराब दिन आउट ऑफ द वे कर दिया। 20 ओवर के मैच में भी 170 को एक बड़ा टारगेट माना जाता है। बैट्समैन वॉक कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं? अंपायर के पास जा रहे हैं, कीपर कॉन्फ्रेंस हो गई यहां, जा रहे हो, इसको कहते हैं हिज वॉकिंग। एक उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे स्टेप आउट किया और ये देखिए क्या कैच पकड़ा। और चलिए सबको पता लग गया, इतनी मोटी आवाज आई, उन्होंने पीछे देखा कैच क्लीन है और जा रहे हैं बाहर। उन्होंने देखा बाहर ने अपील नहीं की, अपर ने आउट नहीं दिया, क्योंकि डार्लिंग कृष्णा, और डार्लिंग कृष्णा आते ही छक्का मारते हुए, जहां से छोड़ा वहीं से शुरू करते हुए, कौन रोक सकता है डार्लिंग कृष्णा को। हो यार, देखा ऐसा लगता है बाहर से सेट होके आते हैं, और बॉल भी ऐसी आई सॉफ्ट बॉल, एक विकेट टेकिंग बॉल के बाद भरत ने एक फरूदा कहते हैं जिसे गिफ्ट दे दिया। 4 हाफ सेंचुरी 6 इनिंग्स में लगा चुके हैं डार्लिंग कृष्णा, और कॉन्फिडेंस देखिए इनका, 7वें आसमान पर है कॉन्फिडेंस। अभी तो ऐसा लग रहा है कि 9वें ओवर में आए और अभी भी हाफ सेंचुरी पूरी कर सकते हैं, इस प्रकार के फॉर्म में। 600 का स्ट्राइक रेट, बस एक ही बॉल हुई है। देखिए आपकी बातों को चैलेंज कर रहे हैं यहां पर डार्लिंग कृष्णा, लगातार दूसरा छक्का, 9 गेंदे खेल सकते हैं, अभी भी हाफ सेंचुरी बना सकते हैं, खिलवाड़ करते हुए चेन्नई राइनोज के साथ। ओहो, ये शक्ल देख के थोड़ा सा दुख लग रहा है। एक ही सवाल है कि क्या 200 पहली बार पार होते देखेंगे, और क्या ये दोबारा होगा इस फॉर्मेट में। ये नो बॉल भी दी जा सकती है। एक और छे, दोनों तरफ से प्रहार हो रहे हैं, और रिकॉर्ड अपने नाम नहीं लेने जाते थे, और लग गया शॉट है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 2 तो हो जाएंगे, और छोड़ दिया। अरे 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 अरे, आज क्या हो रहा है, ये आखिरी ओवर में तो ये दिल कर रहा है, मुझे लगता है कि हौसले पस्त हो चुके हैं। चलिए आखिरी 10 ओवर इस मुकाबले के। हेलमेट वाइजर है ना, बहुत ज्यादा आगे बाहर नहीं निकलता है, पर यहां पे प्लेसमेंट अच्छी है और 4 रन मिलेंगे विक्रांत को। अच्छा ओवर घटता हुआ ये चेन्नई राइनोस के लिए, 11 रन आए हैं, लेकिन अच्छे ओवर को बहुत ही अच्छा करना होगा। हौसला अफजाई कर रहे हैं जीवा वहां से, लेकिन यहां पर दिल्ली बहुत ज्यादा दूर, वैसे भी हैदराबाद से दिल्ली का डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन चेन्नई राइनोस के लिए तो बहुत ही ज्यादा दूर। प्लेसमेंट अच्छी थी और लेट खेला, अंदरूनी किनारा है, 4 रन मिल जाएंगे, और इस बाउंड्री के साथ ओवर की समाप्ति, 34 बिना नुकसान। यह ऊपर रखी थी लेंथ और इसीलिए वो प्रहार हुआ है, और 4 रन मिल जाएंगे। पहली गेंद डाली थी ना, इससे पहले वो लेंथ खींची हुई थी थोड़ी सी। द टीम क्वाइट वेल, या सो आई एम जस्ट गोना आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, हु आर दोस पीपल फ्रॉम द टीम, हु इज अ प्रैंकस्टर ऑफ द टीम? शुड बी राजीव, या राजीव ने रन ना बने, क्योंकि थोड़ी ठंड भी ज्यादा होगी, थोड़ी विकेट्स भी इतनी प्योर नहीं होगी। अरे क्या बात है। आज देखिए क्रिकेटिंग, आज हाइलाइट्स की बात की जाए तो इसमें से सबसे बड़ा हाइलाइट ये कैच होगी, और क्या कैच पकड़ा है ये, ब्रिलियंट। कार्तिक ने पहले इनिंग्स में 3 विकेट लिए थे एक ओवर में, और ये देखिए, ये तो यार फील्डर ने बनाया ये विकेट, फुल स्ट्रेच, ब्रिलियंट, वन ऑफ द कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट, ब्रिलियंट अतुल भाई। यार कमाल, इसमें कोशिश करना और उसको जस्ट टू यू नो गेट इट थ्रू एंड कैच द बॉल, वंडरफुल। 29 रन बनाए विक्रांत ने, 78 पे 1 है स्कोर।
और अगर ऐसा हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा, अच्छी बात है कि क्लोज कॉन्टेस्ट हो, अलग विनर्स और लूजर्स का एक सेपरेशन हो जाए और कैच इसी मैच में एक विकेट आया तो है, पर वही कह रहा था कि ज़्यादा टीमें जल्दी पिछड़ जाए ना तो टूर्नामेंट का मज़ा ख़राब हो जाता। एंड दैट्स कलाई अरसन गॉन फुलिश लेंथ ट्राइड टू हैव अ हीव एट इट एंड कॉट एट कवर्स। और अजय देखिए आज एक लोन वॉरियर, बहुत ही अच्छा उठा के मारा है स्क्वायर लेग के ऊपर से चार रनों के लिए। अरे लगा तो ऐसे था कि बहुत दूर जाएगा पर टप्पा खा के मुश्किल से बाउंड्री बोर्ड से पहुंचा है और थोड़ा धीमा है बॉल तो अपना स्विंग थोड़ा सा उन्होंने स्लो कर दिया था। फिर से एक और चार रन कवर्स के थ्रू 63 runs of just 26 balls, 242, 104 for 2 after 8. या फिर ये लाइट के मजे ले रहे हैं। और ये स्क्वेयर लेग पे हल्की सी मिडफील्ड, दो रन। जी हाँ अतुल भाई, फैंस हमें इस वीकेंड में बिल्कुल निराश नहीं किया है, फुल हाउस होल हार्टेडली सपोर्ट करने आए हैं अपनी टीम को और अभी भी हैं। ये देखिए हम कहने वाले थे कि अगर 72 रन क्रॉस कर जाते तो हाई स्कोरर हो जाते सीसीएल के, पर नहीं, किस्मत को और भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पर अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, फिलहाल कार्तिक ने एक और विकेट ले लिया, 5 विकेट ले चुके हैं इस मैच में, अपील कर रहे हैं बोल्ड करके तो ज्यादा एक्साइटेड है, क्या बात है। बहुत बढ़िया नॉक, फैंटास्टिक एफर्ट, 71 रन्स मेड बाय अजय रोहन एंड द स्कोर नाउ इज 113 फॉर 3। त्रिवेंद्रम के फैंस के लिए एक ट्रीट आ रही है, ओह क्या बात है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से इतना हिट लगा नहीं, पीछे एक खिलाड़ी मौजूद, ओह ये हुआ था, ये आखिरी गेंद पे हमने देखा था जब चेन्नई फील्डिंग कर रही थी, ऐसा ही चौका आया था। ओ फिर से ये पिच ना अब ये लेमन कट ले रही है। अतुल भाई आपने बिल्कुल सही कहा, आज जितने सारे लेमन कट्स हुए हैं एंड सॉलिड डे फॉर कर्नाटका बुलडोजर्स। देखिए अगर देखा जाए तो दूसरी पारी में 148 का जवाब 34 से दिया है तो बराबरी कर दी, पर वो पहली पारी का बोझ जो है वो कैरी ओवर जो है वो उसको झेल नहीं पाए, पर फिर भी तारीफ करी हुई दोनों टीमों की। कर्नाटका ने लगातार दबाव बना के रखा अंत तक और चेन्नई ने हौसले पस्त होने के बावजूद अपने मॉरल को डाउन नहीं होने दिया और ये है बैटिंग कार्ड। 71 रन के साथ साथ विक्रांत की पारी बड़ी जोरदार थी, पर 134 का स्कोर कम नहीं होता 10 ओवर में।